हेलो एंड नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सेटअप गाइस। 9:15 आज थर्सडे एक्सपायरी है। स्पेशली मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ मॉर्निंग सेटअप का एंड प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी एंड चार्ट पैटर्न्स का। तो बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको मॉर्निंग में ही। एंड रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। 1,000 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ गाइस। देखो सिंपल भाषा में मैंने एल्गोरिथम पर बगैर एल्गोरिथम के आपके लिए एक पैटर्न निकाला है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट मैंने खोल के रखा है इस वक्त, और इस वक्त मैंने 3 ट्रेड्स आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस वक्त आप देखोगे 15 मिनट का चार्ट, तो बैंक निफ्टी सबसे पहली कंडीशन गैप अप है। गैप अप ओपनिंग हुआ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ था राइट। एंड यहीं से स्टार्ट करते हम बातचीत को। तो थोड़ा सा मार्केट क्या कह रहा, मार्केट ने ऊपर गया तो देखो लेफ्ट शोल्डर बनाया मार्केट ने, फिर वहां से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसी सपोर्ट से पलटा है। मतलब 45,000 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक किया, फिर उसको सपोर्ट में कन्वर्ट किया एंड अगेन मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी वहां से देखने को मिली हम लोगों को। ये हेड बना हम लोगों का मार्केट के लिए। तो ये यहाँ पे हेड बनने के बाद मार्केट में फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी और मार्केट में कल की क्लोजिंग यहाँ पर इस लेवल के करीब देखने को मिली। मतलब 45,203 की क्लोजिंग है और 45,000 का बहुत ही बढ़िया वाला सपोर्ट है मार्केट में। तो मार्केट, मुझे लगता है कि मार्केट की ओपनिंग होगी अच्छी, जिसके कारण मार्केट ऊपर जा सकता है। मगर 45,350 से लेकर तकरीबन 400 के आसपास एक बड़े रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ पर एक राइट शोल्डर बनेगा और राइट शोल्डर बनने के कारण यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण आपको फिर साइडवेज देखने को मिले ऊपरी स्तरों पर एंड फिर वहां से एक फॉल आता हुआ नजर आ जाए। तो ट्रेड नंबर वन, देखो मार्केट ऊपर खुलेगा, ऊपर जाएगा, आप लोगों को क्या करना है, जिन लोगों ने कॉल ऑप्शंस खरीदे हैं, नहीं खरीदे हैं तो यहाँ पर खरीद लीजिएगा, तुरंत मार्केट ऊपर जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, प्रॉफिट बुकिंग ले लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग लेने के बाद इंतजार करना। सेकेंडरी ट्रेड, यदि मार्केट यहाँ से इसी लेवल से ही मार्केट यदि गिरता है, मतलब 45,400-350 से गिरता है, तो एंड ऑफ द डे 0 to 0 ऑप्शंस आप लोगों के लिए प्ले हो सकते हैं। इस तरीके के दो मौके बन रहे हैं यहाँ पर, या तो सेलिंग बनेगी, यहाँ पर जोरदार सेलिंग का प्रेशर आएगा और मार्केट इस गैपिंग को पूरी तरीके से नीचे फिल करने की कोशिश करेगा, जो कि हमारी 44,800 का लेवल है और मतलब 45,000 का लेवल भी तोड़ देगा मार्केट, हो सकता है यहाँ से, और 44,800 की क्लोजिंग के आसपास हम लोग बंद होते हुए नजर आ सकते हैं। इस तरीके का हमको मार्केट देखने को मिल सकता है कल के दिन, या फिर मार्केट यहाँ से यदि मार्केट ऊपर जाए। अब ध्यान से सुनेगा, मार्केट सेकेंड सिनेरियो नंबर टू, यदि मार्केट ऊपर जा रहा है और मार्केट जाने के बाद तकरीबन 45,470 पहुंच चुका और 470 के ऊपर जाकर टिक गया, तो मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दो सिनेरियो बन रहे हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट इसी लेवल से नीचे आ जाएगा, तो आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है 45,350 से लेकर 400 का लेवल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, 45,000 सपोर्ट के लिए, 45,350 से लेकर 400 आपके लिए रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा, और रेजिस्टेंस यदि ब्रेक हुआ तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एक बढ़िया रैली तो आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट में हो सकती है एक बड़ी रैली, ये वाली जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मार्किंग करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये वाली एक रैली हो सकती है, इस रैली को मैं मार्किंग कर देता हूँ अच्छे से नंबर से, 45,500 से लेकर तकरीबन 45,700-800 तक की एक बड़ी शार्प रैली आप लोगों को देखने को मिल सकती है यहाँ पर। या फिर डाउनफॉल के लिए एक बार बात करें तो यहाँ पर पहले कवरिंग का दिखा रहे थे हमने, 45,134 से लेकर 45,385 तक, 80-85 तक, और उसके बाद सेलिंग का जो लेवल हो सकता है 45,360 से लेकर हो सकता है कि आपको 45,000 तक का लेवल देखने को मिले, एंड सेकेंडरी लेवल हो सकता है कि यहाँ पर आपको 45,800 गैप फिलिंग होता हुआ भी नजर आ सकता है मार्केट। तो आप लोगों को रेडी रहना है। यह है बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर लेटेस्ट अपडेट, मार्केट खुलने में 9 बज रही है। चलो बाय, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।